नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सेक्टर की स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस स्कीम के अंतर्गत एफपीओ को भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंतर्गत एफपीओ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, जिससे उसके मेंबरों को उनकी आय बढ़ाने में सहूलियत या प्रॉफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि ये क्या स्कीम है, इससे क्या बेनिफिट मिलना है। इस स्कीम के अंतर्गत एफपीओ क्या क्या अपना सेटअप या बिजनेस प्लान कर सकती है। तो देखिए, यह जो स्कीम है यह हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 15 मई 2020 को अनाउंस की है। इस स्कीम के अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए तक का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म डेट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसमें अधिकतम जो है 7 वर्षों के लिए एफपीओ को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है या की जाएगी, यदि एफपीओ इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब एफपीओ एफपीसी हैं, एग्रीकल्चर एंटरप्रेनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन सभी को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह जो स्कीम है यह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्मल वेलफेयर ने बनाई है यह जो स्कीम है, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य है, इस स्कीम का यह उद्देश्य है कि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एक्टिविटी है उनमें इन्वेस्ट करके किसानों को इकट्ठा करके उनको ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए जिससे उनकी लागत में वृद्धि हो सके और उनकी उनकी लागत कम हो सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो इसका उद्देश्य है कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके उसको इम्प्रूव किया जा सके, जिससे किसान डायरेक्ट अपना माल जो है उपभोक्ताओं तक खुद सप्लाई कर सकें, जिससे उनको उनकी आय का पर्याप्त मूल प्राप्त हो सके। इसके अलावा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके या वो अपना अपना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकें, जिससे वह अपने जो उत्पाद है एक स्थान से दूसरे स्थान या एक स्टेट या सिटी से दूसरे स्टेट सिटी या एक्सपोर्ट करना है तो आसानी से करके अपनी आय में वृद्धि कर सकें, अपने मूल्य का अपने उत्पाद का मूल्य जो है प्रॉपर प्राप्त कर सकें, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम तैयार करके, वेयर हाउस तैयार करके, है ना, मॉडर्न पैकेजिंग यूनिट को तैयार करके वो उनको स्टोर कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव करके अच्छे दामों में मार्केट में सेल कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है मशीनरी जो किसानों के लिए एफपीओ के लिए आवश्यक है, जिसके माध्यम से वो अपने किसानों की उत्पाद की लागत कम कर सकते हैं और उनके उनको अधिक मूल्य दिलाने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट है तो इस स्कीम के अंतर्गत वह एलिजिबल होंगे और एफपीओ द्वारा उनको स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह जो स्कीम है ये 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट है और ये 2032-33 तक रहेगी, अभी जो इसका टारगेट है। इसमें अधिकतम 7 वर्षों के लिए जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इसमें जो मोरेटोरियम पीरियड है वो जुड़ा हुआ है अधिकतम 7 वर्षों का, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या बेनिफिट है, फाइनेंशियल क्या बेनिफिट मिल रहा है एफपीओ, क्यों कोई भी इसके अंदर अंदर एलिजिबल अप्लाई करेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको यदि कोई 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं इस स्कीम के अंतर्गत कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो आपको जो ब्याज है उसमें 3% का अनुदान मिलेगा, सबवेंशन मिलेगा। मतलब जैसे किसी भी बैंक की नॉर्मल दर जैसे मान लीजिए 10% है 10% है, तो यहाँ पे इस स्कीम के अंतर्गत आपको सिर्फ 7% ही लोन चुकाना होगा, बाकी 3% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको दिया जाएगा अनुदान के रूप में, ठीक है। आपको सिर्फ 7% ही चुकाना है, तो ये 3% जो है आपको सबवेंशन या अनुदान मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं जो गारंटी, क्रेडिट गारंटी होती है सबसे मेन बात। तो यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी है, अन्य लोगों की स्थिति में जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का CGTMSE फंड बना है, है ना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, उसके तहत कवर की जाएगी। और एफपीओ के लिए जो फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ की जो स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो स्कीम है उसके अंतर्गत एफपीओ की जो है क्रेडिट गारंटी कवर की जाएगी। इसके अलावा आपको यह सपोर्ट मिलेगा कि जो फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी है और अन्य जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, है ना, स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की, उनके द्वारा आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, जो वायबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से लेके आगे जो पूरा सपोर्ट है वो सब आपको इसमें प्राप्त होगा। अब इसमें बात करते हैं आप कौन कौन से प्रोजेक्ट एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में सबसे पहले इसमें रहेगा यदि आप कोई सप्लाई चेन इसमें
सप्लाई चेन स्टेब्लिश करते हैं या ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित है आपका प्रोजेक्ट, वेयर हाउसेस से संबंधित है आपका प्रोजेक्ट, सिलोस है, पैक हाउस है, सेइंग यूनिट से, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग प्लांट है या यूनिट है, कोल्ड चेन है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, रिपनिंग चैम्बर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो अन्य कोई प्रोजेक्ट है, वाइबल प्रोजेक्ट है कोई, जैसे ये कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स बिल्डिंग से संबंधित, जैसे ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन यूनिट है, बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई एग्रीकल्चर प्रिसीजन से संबंधित, है ना। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, जिससे क्लस्टर की जो क्रॉप है उसको आप बाहर या एक्सपोर्ट करते हैं, जो क्लस्टर की उपज को उससे संबंधित है, ठीक है। या अन्य कोई सेंट्रल स्टेट या लोकल गवर्नमेंट की एजेंसी जो है उनका पीपीपी मोड मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत वो उसको प्रमोट करती हैं। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं ये जो पूरे अपन ने देखे हैं, इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए आप इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करके 3% का अनुदान और क्रेडिट गारंटी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये सभी जो है एंटिटी एफपीओ हैं, एसएचजी हैं, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये भी एलिजिबल हैं, है ना। एफपीओ भी इसके लिए एलिजिबल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए इसमें एफपीओ जो है एक से ज्यादा प्रोजेक्ट लगा सकती है, यदि किसी एफपीओ के काम फैला है तो कई जगह अपने प्रोजेक्ट लगा सकती है, परंतु उसे जो अनुदान है वो अधिकतम एक प्रोजेक्ट पे 2 करोड़ रुपए तक का ही मिलेगा, ब्याज में और क्रेडिट गारंटी में, ठीक है। इसमें ये सभी बैंक के पार्टिसिपेट हैं, इनका एमओयू हुआ है, नबार्ड है ना, एनबीएफसी है, नबार्ड, एनसीडीसी है, रीजनल रूरल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब बैंकों का इसमें टाइप हुआ, तो इनके थ्रू आपको फंडिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में जो आपको जानकारी दी है आपके लिए उपयोगी हो तो अन्य लोगों तक इन्हें पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। ये क्रॉप वाइज एलिजिबल प्रोजेक्ट है, इसमें देखिए प्राइमरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी जिनके लिए आपको फंडिंग हो सकती है, जैसे वीट पैडी से संबंधित है तो क्लीनिंग, डी स्टोनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, हलिंग, मिलिंग, पाउंडिंग, ग्रिंडिंग, टेम्परिंग, पार्बोलिंग, है ना, सॉकिंग, ड्राइंग, सेल्विंग, ये सब आप देख पढ़ सकते हैं यहाँ से, या गूगल से आप ये गाइडलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है इन सब के लिए आपको यहाँ से फंडिंग प्राप्त हो सकती है अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की। दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो अन्य लोगों तक इसे पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।